are working closely with the Italian partners कि हम कैसे टेक्नोलॉजी को इस्टेब्लिश कर सकें, नई टेक्नोलॉजी इंडिया में ला सकें और कैसे अपने मैन्युफैक्चरर्स को स्ट्रेंथन कर सकें टू मैन्युफैक्चर मोर, उनकी फैसिलिटी बढ़ाई जाए, उनके एक्सपोर्ट्स बढ़ाए जाएं, उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए इंडस्ट्री में। किस तरीके से जो है इटालियन और इंडियन एग्री जो कंपनीज है वो कोलैबोरेट होके कुछ ऐसा करें जिससे कि दोनों कंट्रीज़ के फार्मर्स को प्रॉफिट मिल सके। देखिए, हम जब हमने पहला शो शुरू किया था, ये एक्सरसाइज तब से चलती आ रही है। जो आज आपने क्वेश्चन पूछा है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हमने उस टाइम ही डिसाइड किया था कि बिना देखे, बिना टच एंड फील वाली बात होती है, बिना देखे आप किसी टेक्नोलॉजी को या किसी भी चीज़ को इंडिया ला के या इंडिया में सोच के उसको कस्टमाइज तरीके से डेवलप करके आप लॉन्च नहीं कर सकते जो कि हेल्पफुल हो फार्मर के लिए। अभी हमारी कंट्री में जो भी काम हो रहा है वो उस तरीके से हो रहा है कि एक पेनिट्रेशन जो फार्मर की है वो हायर सेगमेंट पे काम हो रहा है। जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है उसके ऊपर पेनिट्रेशन अभी ज़रूरत है, बहुत काम करने की ज़रूरत है, जिसके लिए हम ये शो के माध्यम से चीज़ों को आगे लेकर आ रहे हैं और टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं। जब हमने ये शो लॉन्च किया था तो ये दिमाग में रखी थी बात कि कैसे हम इस इन मैन्युफैक्चरर्स को और एक्सपोजर दें, तो हमने डेलीगेशन शुरू करी पार्टनर्स के शो में, जो इंटरनेशनल शो है जिसमें पूरा वर्ल्ड पार्टिसिपेट करता है। और पर्टिकुलरली इटली को ही हमने पार्टनर क्यों बनाया है, क्योंकि जो छोटी कस्टमाइज्ड मशीन्स हैं वो इटली के साथ ही बन सकती हैं, जर्मनी या कनाडा या फिर यूएस के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि उनके फार्म साइजेस बड़े हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें दिमाग में रखते हुए इस टेक्नोलॉजी को, इस शो को इंडिया लाए हैं और इस तरह से इसको प्रमोट कर रहे हैं कि जिसमें फार्मर को फ़ायदा हो, नॉट दी हायर एंड फार्मर बट येस इवन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर ऑल्सो। What is the main motive of this event and how, why you choose to collaborate with FICCI? Well, the main aim of the event, as Jasmit was saying, to the best of my knowledge of Hindi, is that there is a huge need for technology, for specific kinds of technologies that can improve the yield per hectare, which is the main criteria by which we consider agriculture. You need to improve the yield per hectare to improve the livelihood of the people. That is the need of the hour. We started this collaboration in FICCI way back in 2007-2008. Since the beginning, we met the need from the industry for an event specifically dedicated to mechanization. So we clubbed together the expertise of FICCI with the Indian market, the expertise of we gained with the brand EIMA, the exhibition we organize in Italy, and we created this event, Imagrimac, which wants to be the and is the right platform for all the stakeholders, being their farmers, entrepreneurs, NPOs, just mentioned it, to get in touch with the latest and newest technologies in agriculture. Particularly this area, when we talk about, I have already spoken in my presentation also, we have a lot of challenges. We can't grow without putting stress on mechanization. We have to have right kind of mechanization in place to increase the productivity. हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे पास लैंड साइज़ उतना ही है, वो नहीं बढ़ सकता। उसी के अंदर हम जो बेस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, फूड नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, और प्रोडक्टिविटी चाहिए हमें। कितने लेवल्स के डबल करने होंगे स्ट्रेस अपॉन टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, एंड हाउ टू कंट्रोल कॉस्ट ऑफ फार्मर। अभी उसकी लेबर कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है दिन बर दिन, उसकी इनकम ऐसे बढ़ नहीं पाएगी, दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। उसको कंट्रोल करने के लिए हमें किसी भी तरीके से बेस्ट ऑफ मशीनरी इंडिया में लानी पड़ेगी। अभी हमारे देश में सिर्फ 40% मैकेनाइज्ड है हमारी कंट्री, जिसमें से हार्वेस्टिंग ही 60% ले जाता है आउट ऑफ 40%। सो आई थिंक मोर स्ट्रेस नीड्स टू बी गिवन ऑन मैकेनाइजेशन। अभी बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप मैनेज हो सकता है इस कंट्री में फॉर फार्म मशीनरी सेक्टर। दिस इज़ ग्रोइंग सेक्टर, दिस इज़ द राइट टाइम वी एंटर्ड विद राइट पार्टनर्स, एंड दैट्स हाउ वी हैव बीन अप्रिशिएटेड बाय एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट्स,
all stakeholders, associations, हमारे ही साथ और छोटी associations, small implements की भी develop हुई हैं, हमारी affiliated bodies बन गई हैं, and now we are coming up with more such aggressive collaborations and more promotion of farm mechanization in the sector. बहुत strategies already हम काम कर रहे हैं उस पर, blueprint is already in progress, times to come we will launch soon. ये फिफ्थ एडिशन है एग्रीमैप का, इसमें क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा? श्योर sure. देखिए, जब हम दो साल में किसी इवेंट को करते हैं तो टेक्नोलॉजी को हम चेंज होने का टाइम दे रहे हैं. टेक्नोलॉजी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, हर रोज़ चेंज होनी होगी. हमारे पास कंपनीज जॉन डियर हैं जो 3 करोड़ पर डे R&D का खर्चा है उनका. सिमिलरली अगर हम उनको कुछ नया दिखाने के लिए, उनके पास ही नहीं होगा तो मैं ही क्या प्रोड्यूस करूँगा. सो ऑल काइंड्स ऑफ मशीन्स एवरी टाइम आई थिंक 25 से 30% वो कुछ इम्प्रूव होती हैं, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है उसमें. फ्रॉम लैंड प्रिपरेशन टू हार्वेस्टिंग, सब काइंड ऑफ मशीन्स हम लेकर आते हैं. पहले इंडिया में सिर्फ ट्रैक्टराइजेशन था, आज हम फार्म मैकेनाइजेशन की बात करते हैं. हमारे पास रीपर भी हैं, हमारे पास हार्वेस्टर्स भी हैं, हमारे पास सीड ड्रिल्स हैं, प्लांटर्स हैं, कितनी तरह की मशीनें आ गई हैं, एंड वी प्रमोट ऑल टुगेदर. अभी हमारे को कनाडा ने कंफर्म किया है पार्टिसिपेशन, सिमिलरली स्पेन बहुत कीन है, इटली ऑलरेडी है, चाइना से हम बाहर से भी ला रहे हैं. तो हर तरह से पार्टिसिपेशन ग्रो ही हो रहा है, और जिसमें अब नई चीज़ हम जो लॉन्च कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि ये फार्मर ओरिएंटेड शो कर रहे हैं और ज़्यादा. अभी तक ये B2B तक सीमित था, तो हमें काफ़ी फीडबैक, हम फीडबैक पे काम करते हैं. अब वो वाला हिस्सा पूरा वेल एस्टेब्लिश्ड है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. हम बायर्स भी ला रहे हैं बाहर से, वो सब एक्टिविटीज़ कॉन्टीन्यूसली चल रही हैं. अब उससे ऊपर हमें अब टाइम आ गया कि फार्मर को हम और एक्सपोज करें इसमें, तो हमने और भी इनिशिएटिव लिए हैं. उसके माध्यम से हमारे पास बहुत सारा डेटा है फार्मर का, प्लस हमारे पास एजेंसीज हैं ऑफिशियली काम कर रही हैं, प्लस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम करता है, स्टेट काम कर रही है. तो उस बेस पे हम बहुत सारे फार्मर को एंगेज करेंगे इस बारी, और उससे रिलेटेड सेशंस भी रखे हैं जो FPOs ग्राउंड लेवल रियलिटी टेबल पर लेकर आएंगे. सो दैट इज़ समथिंग न्यू वी आर ब्रिंगिंग. और इटली की तरफ से इस बार क्या, what you bring new in this AgriMac 2017 from Italy? We will bring for sure more technology, some that will be very new also to the market, which will be will become the need eventually. As I said, we want to have a platform for displaying the new technologies, also the components. We will bring institutional participation. We are trying to cover each and every angle. As far as everything from seeding to harvesting is concerned, we want to provide the solution. You have to cover the topic from each and every possible corner with the participation of all the stakeholders, as Jasmith was mentioning. Yeah. So we expect to have a bigger and better AgriMac. Number of participants and visitors. Visitors, we are expecting over 30,000 to 40,000 this year, since we are increasing farmers' number. Business visitors, I would say it will be close to 8,000 to 10,000, and participants, it will be over 300 participants. We will be showcasing. थैंक यू. और आप किसानों को आने के लिए, विजिटर्स को आने के लिए क्या क्या? किसानों के लिए हमारे पास एक पूरा प्लेटर तैयार है टेक्नोलॉजी शोकेस करने के लिए. हम चाहते हैं कि वो आएँ, जितना हमें सपोर्ट करेंगे आने के लिए उतना टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर को समझ आएगी कि एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे क्या चाहिए, क्या ग्राउंड लेवल रियलिटीज़ हैं. हमारे पास किसान गोष्ठी के माध्यम है, आप अपनी प्रॉब्लम्स हमें बता सकते हैं. टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक्सपर्ट साइंटिस्ट आते हैं, उनको एड्रेस करने के लिए एक इनफॉर्मल सेशंस रखे जाते हैं अलग अलग तरह से. किसान गोष्ठी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक वो बताएंगे नहीं तो बैक होम टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर को पता नहीं चलेगा कि वो क्या देखना चाहते हैं एग्जैक्टली. सो लुकिंग एट ऑल सिनेरियोज, मेरे ख्याल से किसानों के लिए बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है, माध्यम है मैन्युफैक्चरर से मिलने का. और यही एक ऐसा इवेंट है जिसमें डीलर का पार्टिसिपेशन नहीं, कॉरपोरेट पार्टिसिपेशन आता है, जिसमें कंपनी के एम्प्लॉयज़ खुद आके पार्टिसिपेट करते हैं, और सीनियर लेवल पार्टिसिपेशन होता है जिसमें इवन सरकार की तरफ से स्टेट के एग्रीकल्चर मिनिस्टर खुद चल के आते हैं देखने के लिए. हर बार हम बुलाते थे
हमने शुरू किया ये प्रोसेस, उन्होंने कंटिन्यूटी देखी, उन्होंने कमिटमेंट देखी हमारी, तो वो खुद अपनी डेलीगेशन से लेकर आते हैं स्टेट गवर्नमेंट में. तो मेरे ख्याल से किसानों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. What you want to say to Indian farmers? Well, I say that I cannot add anything more than what Jasmeet said, that our exhibition is the right place where to find the right kind of technology. Whatever your crop is, whatever your need is, AMAGRIMAC is the right place where to find the solution and to interact with the corporates, as Jasmeet said, to interact with the people, with the right people, the sessions, the conference, the main initiatives we carry on for the benefit of farmers. Eventually, agriculture is driven by farmers. Yes, so our farmers, the one is for them. So I invite all of them to come. The biggest stakeholder, jo sabse bada partner hai hamare saath, sirf kisan hai is shoko banane ke liye aur develop karne ke liye.